पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है कि पिता से ही ढेर सारे सपने होते हैं और पिता से ही बाजार के सब खिलौने अपने होते हैं। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, सुनो मैं आज सुनावा बाप बाकी है, सुनो मैं आज सुनावा। बच्चिया दे हर दुख वास्ते, बच्चिया दे हर सुख वास्ते, जगदा हर दुख सहते, राज खवावन बच्चिया नू पावे आप भूखे रहते। तिया ते पुत्रा दा बन के, तिया ते पुत्रा दा बन के रहते परछावां, बाप दा रुतबा ही है। सुनो मैं आज सुनावा। सभी से प्रार्थना की थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं बैठने के लिए, पीछे स्थान, क्योंकि भाटिया परिवार का करनाल से भी कई आए हैं, दिल्ली फरीदाबाद से भी कई आए हैं, बॉम्बे से भी कई आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि शहर का कोई भी सामाजिक राजनीतिक ना अधिकारी ना नेता ना ही कोई प्रतिनिधि ऐसा होगा जो आज यहाँ ना पहुंचा हो। सुकृपा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए और बैठने के लिए पीछे स्थान। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रा सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवानी सहितं नमः जय सदा सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि कोटि अपराध जुड़ा हुआ है। बड़े पुण्य उदय से हमें ये मानव जीवन मिलता है और सार्थक करने के लिए मिलता है, लेकिन उस पुण्य के साथ साथ जो अशुभ कर्म जुड़े होते हैं वो भी साथ साथ चलते हैं और उसी के चलते हुए इतनी छोटी सी आयु में वो हमारा हंसता मुस्कुराता चेहरा और युवक दिव्य ज्योति के रूप में आज प्रकट होकर परमात्मा के चरणों में सदा के लिए तल्लीन हो गया। आज क्या बीत रही है भाटिया साहब पर, जिनके दो जो आश्रय देने वाले खंभे हैं उनमें से एक चला गया। राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो दोनों भाइयों ने लुधियाना में एक सिद्ध करके दिखाई, आज वो जोड़ा हंसों का बिछुड़ गया, आज विषाद का रह गया। आज मेरी पुत्री सब क्योंकि दयाजी मेरी सहपाठी है और हमारी बेटी को ऐसा असहनीय जो आघात लगा है कि हर पल हर दुख सुख में साथ देने वाला जीवन साथी छूट गया। कि धर्म के प्रति उसका कितना सद्भाव था, हिंदू हो सिख हो ईसाई हो जैन हो बुद्ध हो संप्रदाय में वो सभी धर्मों के प्रति समर्पित था। उल्लेख के रूप में एक छोटी सी घटना आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, शायद वो मेरे समाज को तो पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगी। चौड़ा बाजार में हमारा एक जैन मंदिर है बहुत प्राचीन जो 150 वर्ष पुराना है। समाज ने निर्णय लिया कि उसको नया बनाना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि सीमित समय में वो कार्य पूरा करना था। हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाव कश्मीरी लाल जी ने अपनी सोच से ये कोई भी दुख दर्द बांटने के लिए आगे नहीं आता, लेकिन मेरे इस युग ने तो अपना जीवन नौछावर कर दिया। कोई दीन हो कोई दुखी हो कोई धर्म हो कोई समाज हो कोई ऐसा क्षेत्र हो गौ सेवा हो और हमारा जो आखिरी स्थान है जिसे हम शमशान कहते हैं उस भूमि को भी सींचने वाले हमारे भाटिया साहब जी को इतनी जल्दी अपने पुत्र को वहां अर्पित करना पड़ेगा ऐसा आभास किसी ने नहीं किया था।